वेलकम बैक अगेन टू यात्री इन्फो। अभी मैं काठमांडू में और यहाँ से मैं नगरकोट है, एक यहाँ से डेस्टिनेशन हिल पॉइंट है, वहाँ पे ना बड़ा अच्छा व्यू आता है। और मेरे को थोड़ी सी ना मनी भी एक्सचेंज करनी थी, तो वो मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे करवाऊँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। हाथ देख के आना काम कर गया है, हमारे इंडिया में नहीं कोई देख सुनता ऐसा, जितना मर्जी हाथ दे दो वो नहीं रुकते। यहाँ पे है मनी एक्सचेंज की शॉप, हेलो सर, इंडियन रुपीस एक्सचेंज करना था? नहीं होगा, आई डोंट एक्सेप्ट इंडियन मनी, वो नेपाल में नहीं चलता। नहीं चलता, ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। अच्छा, आप नहीं देते, बाकी तो लेते होंगे। बाकी लोग क्या करते हैं मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, आप नहीं लेते, चलो इट्स ओके। फर्स्ट मनी एक्सचेंज वाली शॉप है, देखिए जो मैं इंडिया मनी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कल तो मैंने करवाया था यहीं से, बोले किसी और से, यहाँ से कंफर्म करता हूँ। हेलो सर, इंडियन मनी एक्सचेंज होगा? हाँ मैं चेक करता हूँ, चलो कितना रेट क्या है? 1.55। कल तो मैंने 1.58 लिया था, कल तो मैंने कम ही लिया था। हाँ वैसे मैंने ना एयरपोर्ट पे किया था 5000 एक्सचेंज, तो वो मेरा दो दिन में ख़त्म हो गया, अब मैं 5000 और दे रहा हूँ। तो 5000 अगर मैं इनको दूंगा इंडियन करेंसी, तो ये मेरे को दे रही है 7900 नेपाली रुपीज़, 1.58 के अकॉर्डिंग। और ये नोट कौन से, इतने पुराने नोट? नए नए नोट तो यार, ये क्या 1000 रुपीज़ है यार, ये खुले ही नहीं को करेगा। आपको चाहिए खुला क्या, 500 रुपये का देते हैं। हाँ ये भी कर दो, 1000 का तो दो ही मत यार, क्या पता कोई लेगा नहीं लेगा, पता नहीं क्या। आराम से लेगा भाई। अच्छा ये कितने हो गए? ओके जी थैंक यू, ठीक है थैंक यू। ये जी नेपाली नोट ले लिए, एज पर दी करेंसी जो है ना वो दिए है, अगर मैं 5000 देता हूँ तो इनको, इन्होंने मेरे को 8000 देना था, लेकिन इन्होंने मेरे को दिया है 79, यानी कि 100 रुपीज़ जो है वो कम दिए हैं, बट इट्स ओके। तो यहाँ से भगतपुरा जाऊँगा मैं, और भगतपुरा से फिर बस लूँगा, चेंज करूँगा नगरकोट के लिए। डायरेक्ट थामेल से नगरकोट की बस नहीं मिलती, तो नगरकोट अगर जाना है तो डायरेक्ट बस नहीं है, ये बोल रहे हैं कि कोई भक्तापुर है वहाँ तक जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे से फिर चेंज करनी पड़ेगी बस नगरकोट के लिए। नगरकोट से फिर रिटर्न में जो लास्ट बस है वो 5 बजे आती है, तो 3 बज गए हैं और यहाँ से 45 मिनट का रास्ता है, तो लेट्स सी वो व्यू देख के फिर रिटर्न ले लेंगे 5 बजे तक, क्योंकि होटल मेरा जो है वो काठमांडू में ही बुक है, तो फिर मेरे को रिटर्न में आना है, काठमांडू में वापस आना है यहाँ पे थामेल में। तो लेट्स सी क्या होता है, थोड़ी बस चलने वाली है थोड़े टाइम में। यार नगरकोट जाना था, तो अभी ना 4 बज गए हैं, तो अभी 4 बजे तक भगतपुरा में ही पहुँचाऊँ। बता रहे हैं कि लास्ट जो बस है ना नगरकोट से वो 5 बजे आती है, तो फिर 5 बजे फिर मतलब कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना आने में, बिकॉज़ मेरा जो होटल है वो थामेल काठमांडू में बुकड है, तो फिर मैंने नहीं गया मैं वहीं पर, उन्होंने ये भगतपुरा है, तो भगतपुरा ही नहीं, मैं कहा चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ भी एक दरबार स्क्वायर है इस साइड, तो उसी के पास ही में ही बस रुकी थी, तो यस टिकट है ओके ओके ओके। टिकट कितने की है, इंडियन की? इंडियन की 500 रुपये नेपाली, 500। अच्छा अच्छा, वैसे है क्या क्या देखने के लिए अंदर? इसके अंदर पुराना किंग पैलेस, अच्छा
राजा का महल है ना। अच्छा, पहले जमाने का। और बहुत सारे हिंदू टेम्पल है। अच्छा अच्छा, वो देखने के लिए। वो म्यूजियम है क्या? मतलब म्यूजियम तो बंद हो गया। सारे बहुत पुराने सारे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ओके। तो टिकट सब मतलब उसके अंदर जाने के लिए टिकट लेनी है। वैसे जा सकते हैं? वैसे तो नॉर्मल तो विजिट कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, यहाँ से भी टिकट है। अच्छा, 500 कितनी? 500 रुपीज़ है नेपाली। देसी लोग के लिए तो एक आदमी का 1500 रुपया लगेगा। 1000 का। अच्छा ओके ओके। एक किलोमीटर यहाँ से? हाँ, एक किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। तो बाद में बस मिल जाएगी यहाँ से काठमांडू के वापस? हाँ, मिल हाँ मिल के लिए वहाँ से मिलेगा। कब तक मिलेगा लास्ट बस? टिकट लेनी है 500। टिकट बहुत एक्सपेंसिव है इंडियन के लिए। अच्छा, ये गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट के अंदर? अच्छा, 500 रुपीज टिकट। मेरे को आइडिया नहीं था कि टिकट लेनी, मैं ऐसा ही जा रहा अंदर। अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? जस्ट फॉर एंट्री, आगे खुद देखना। चलो लेट्स सी, टाइम तो कम है। हाँ टाइम तो कम है, चलो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है। मेरे को आइडिया नहीं था यार टिकट लगेगी यहाँ 500 रुपीज़। तो टिकट वैसे ज़्यादा ही है। भगत पूरा काफ़ी हेरिटेज साइट लग रही है पूरी ना, मे बी इसलिए इसकी टिकट लगाई हुई है। क्योंकि वो आया है तो मैं कहा चलो देख ही आता हूँ क्या है। अगर 500 रुपीज़ ले रही है तो कुछ तो होगा देखने के लिए। तो मैं कहा चलो टिकट ले ही लेते हैं, दिखाते हैं क्या है। यहाँ से 1 किलोमीटर है चल के जाना, उसके बाद फिर वहीं से फिर बस ले लूँगा थामेल के लिए। ओके वाह यार, घर बड़े प्यारे बने यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया। नगर कोट फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया है यहाँ, फिर देखूंगा अगर कल जाना होगा तो चले जाऊंगा। वैसे नगर कोट में कुछ इतना खास नहीं है, जस्ट सनराइज़ का एक व्यू पॉइंट है और जब सनसेट होगा उसका एक व्यू पॉइंट है, बस वही दो ऑप्शन है वहाँ पे। ये बाकी तो कुछ है ही नहीं यार। देखो यार ये बिल्डिंग्स, ये स्टैंड लगाया हुआ बिल्डिंग। ये क्या है? साग? ये है क्या? पालक साग? पालक काला तोरी। और वो 10 रुपए का। मेरे को साग मतलब हमारे वहाँ साग बोलते हैं, यहाँ पालक है। मे बी आई डोंट नो, पालक होगी 10 रुपए में। मैंने कहा चलो वैसे रेट पूछता हूँ क्या है। मार्केट भी लगी हुई है विंटर के लिए। ठंड अभी हुई है थोड़ी बहुत ही, दोपहर तक तो जब मैं वहाँ से काठमांडू चला था देखा होगा हल्का हल्का पसीना भी आ रहा था, बट मेरे को पता था कि यार शाम तक ना ठंड हो जाएगी, तो मैं इसलिए जैकेट डाल के आया हूँ। और एक मैंने कैप कैरी कर ली है वाइल रिटर्न में। वही सिस्टम है इंडिया वाला, हमारे वहाँ भी चंडीगढ़ में दोपहर को गर्मी लगती है, सुबह और शाम को ठंड हो जाती है। पूरा हेरिटेज एरिया है।
बाकी सेम चीज़ आपने देखी होगी, जब मैंने ये टिकट ली है तो वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो नेपाली सिटीज़न थे उनके लिए था 150 रुपीज़ की टिकट, और जो इंडियन सिटीज़न थे या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, इनको सार्क बोलते हैं, तो उनके लिए थी 500 रुपीज़। और जो अंग्रेज हैं, फॉरनर हैं, फिरंगी, उनके लिए थी 1500 रुपये एंट्री टिकट। तो ये है कि इंडियन को फॉरनर नहीं मारते, इंडियन के लिए एक अलग लेवल रखा है इन्होंने टिकट का। ये है टेंपल, कोई नाम नहीं पता मेरे को, गूगल पे चेक करता हूँ क्या है। दत्तात्रेय मंदिर है कोई। इधर कैफे है। वैसे प्लेस तो अच्छा है यार, एक बार विजिट करना तो बनता ही था। ये भी देख, काफी पुरानी बिल्डिंग है। पहले ये सारा जितना भी एरिया ना, ये किंगडम, मतलब किंग के अंदर आता था। हालांकि अभी जो इसका प्रॉपर गवर्नमेंट बनी हुई है नेपाल की, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो सब है, पहले नहीं था, पहले किंगडम था एरिया पूरा, जैसे राजा राज करता ना, वो सेम सिस्टम था। मेरे को तो यार ये ना एरिया काफ़ी बढ़िया लगा, वो अच्छा एरिया है, जो यहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी लकी है, इतना हेरिटेज एरिया में रहना और पहाड़ों के व्यू में, वाह यार अमेजिंग। शॉप्स भी छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स है ना, हेरिटेज बिल्डिंग, उसी में बनी हुई है। जूस पीते हैं ग्लास से, यार घर सूख गया मेरा। सही एक्सपेंसिव तो नहीं है, लगभग हमारे अकॉर्डिंग 60 का, आई थिंक 60 या 70 का हो गया इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग। सही है, नेपाली प्राइस है। हाँ नेपाली प्राइस है, नहीं मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर को बता रहा हूँ। और ये कितने का, ये गन्ने का रस 60 का 60? साठी मतलब 60 रुपये 60। अच्छा ठीक है, जेन्युइन रेट है ना, वही है जो जैसे इंडिया में सेम ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है इतना। ओके जी, थैंक यू सो मच। कोक की बोतल ली थी मैंने, जो हमारे वहाँ पे 300 ml की मिलती है, आई थिंक 20 रुपीज़ में, यहाँ थी वो 60 रुपीज़ में। ये जैसे यहाँ पे ना बफ मोमोज, चिकन मोमोज ट्राई करें, यहाँ पे मोमोज, मोमोज चिकन है, यहाँ पे बाहर बफ मोमोज हैं और इधर ये चिकन मोमोज गर्म कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मोमोज ट्राई करते हैं यहाँ पे। ये पूरी सिटी का मैप है, जो कल्चरल सिटी है इसलिए एंट्रेंस फीस रखी है, लाइक हेरिटेज। ये सब है इसमें, जैसे मैं तो आया अभी शाम को, क्या पता जब तक मैं जाऊँ कुछ बंद हो जाए। मोमोज आ गए, ये कौन सी ग्रेवी डाली ऊपर, ये ग्रेवी कौन सी है, ये ग्रेवी सूप है। अच्छा ओके, लेट्स ट्राई, बहुत गर्म होंगे अभी चम्मच से खाने में। पहले सूप भी ट्राई करते हैं कैसा है। सही है भाई, सही है यार, बहुत ही बढ़िया, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया के साथ, वहाँ का अलग टेस्ट है, यहाँ का अलग है, यहाँ का मेरे को अच्छा लगा टेस्ट।
यहाँ खाने पड़ते हैं चम्मच के साथ, साथ में सूप डाल के। सूप अच्छा है। ये सूप कौन सा है, नाम क्या है सूप का? ये तिल का है। तिल का, बादाम का। तिल बादाम, अच्छा थोड़ा और डालना यार, सही लगा मेरे को। थैंक यू। सूप इनका सही था। ये इधर बफलो का सूप है। अगर मेरे किसी व्यूवर को नहीं पता तो मैं ट्रांसलेट करता हूँ। भैंस, भैंस का जो होता है ना वो है, भैंस की मोमोज भैंस खाते हैं यहाँ पे। पिग भी खा लेते हैं, पॉर्क, पॉर्क बोलते हैं शायद। अभी सिर्फ 5 ही बजे हैं और अंधेरा तो कितना हो गया, और नाइट में गोप्रो की विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मे बी हल्का हल्का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये आ गया दरबार सुखेर भगतपुर। ये तो अनप्लान्ड ही विजिट हो गया। तो ये है मेन भक्तपुर दरबार स्क्वायर। और इस साइड सही है ना यार, बहुत कितना अच्छा लग रहा है। इधर पीछे ओल्ड घर है। तो ये जो दरबार स्क्वायर होते हैं, ये किंगडम के टाइम के ना, जब राजे थे, राजाओं के टाइम के दरबार लगते थे यहाँ पे, वो है सारा दरबार स्क्वायर। टेंपल भी है बीच में कहीं पे, टेंपल है। इधर देखो, यहाँ पे जब अर्थक्वेक आया था, मे बी तब का है, काफ़ी ट्रेजेडी हुआ था ना, तो काफ़ी नुकसान हुआ था। ये बिल्डिंग मंदिर मंदिर सब गिर गए, तो अभी भी ऐसे ही है। अच्छा, होटल रेस्टोरेंट काफ़ी है इधर। वैसे वन नाइट स्टे तो बनता था मेरा यहाँ पे, बट मेरे को पहले पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। ठंड है यहाँ पे, हल्की सी ठंड है, अभी हुई है, पहले तो मौसम ठीक था। ये मंदिर है बीच में ऐसे। तो ये तो आज का अनप्लान्ड ही हो गया। आया था मैं नगरकोट घूमने, और नगरकोट का तो बना नहीं प्लान इतना खास, क्योंकि मैं आफ्टरनून में आया था, तो यहाँ का तो अनप्लान्ड हो गया। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ की पी आके। 500 पीस टिकट थी इंडियन के लिए, तो वर्थ थी, बिकॉज इतनी अच्छी कल्चरल सिटी, हेरिटेज सिटी देखने को मिला। तो मेरे को पहले नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, यहाँ के मैंने देखा ना, काफ़ी अच्छा लगा। तो आपको भी रिकमेंड करूँगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेपाल का ट्रिप बनाओ, एटलीस्ट सिटी में अगर आप स्टे करो तो बेटर है, वन नाइट एटलीस्ट, ताकि ये सारा एरिया एक्सप्लोर कर सको। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ पे एंड है, बाहर जाने का एग्जिट है। काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग, तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नेपाल से हैं तो मुझे सजेस्ट कीजिए कौन कौन सी लोकेशन बेस्ट है, ताकि मैं वहाँ पर विज़िट कर सकूँ। बख्तापुर से एग्ज़िट करने के बाद मैं यहाँ पर ना वेट कर रहा हूँ। लगभग 5:30 हुए और अंधेरा काफ़ी हो गया है, तो यहाँ से बता रहे हैं कि बस आएगी, बस स्टॉप है, और ये जाएगी काठमांडू थामिल। और मैंने एक शॉप पे बैठा हुआ था, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री पता चली मेरे को, तो मैंने सोचा चलो ये भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। किशन शर्मा जी की शॉप पे बैठा था, तो एक बड़ी अच्छी हिस्टोरिकल बात बताई है मेरे को इन्होंने, मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे 20 साल पहले राजे का राज था। तो वो जो राजा है उसको मतलब ख़त्म मार दिया था, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था, पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद फिर अब किंगडम का राज ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर उसका भाई, उसका भाई ये भी चल रहा है। अच्छा, 2 साल चला। अच्छा, उसके बाद ये महावाजी का जो शांति प्रक्रिया में आने के बाद, हाँ, मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो, अच्छा जैसे इंडिया में, हाँ वैसे मतलब कि वो हो गया, किंगडम ख़त्म हो गया और प्रॉपर गवर्नमेंट आ गई है। अच्छा,
तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सही काम कर रही है या पहला जो राजा था वो सही था? काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा वो ही पहले का ही है, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट कर रही होंगे ना अभी। 20 साल हो गए ना, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा डेवलप करने को। अच्छा, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मेरे को पता चली है, हिस्टोरिकल मेरे को नहीं आइडिया था, तो इसीलिए मैंने सोचा दोबारा से कैमरा ऑन करके कैप्चर करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है जी, दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं कल किसी और व्लॉग में। नमस्ते।